हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा सुलेमान है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसे हम मायरे नफ्सियात भी कहते हैं। मेरा ये जो शोबा है, इसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबियाज और इस तरह के चंद और इश्यूज हैं जिनको मैं डील करती हूँ इमोशनली और बिहेवियरली। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करूंगी उसका नाम है पैनिक अटैक्स। अक्सर औकात हमने लोगों से सुना हुआ है, ये लोग जानते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है, लेकिन आज हम उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि पैनिक अटैक्स असल में होता क्या है। पैनिक अटैक्स बेसिकली एंजाइटी की एक शदीद कैफियत है, जिसमें इंसान की हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाती है एंड इट इज़ मोस्टली सिमिलर टू हार्ट अटैक सिम्टम्स। तो इंसान को ये लग रहा होता है कि कहीं उसको हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा या उसकी जिंदगी खतरे में तो नहीं है। लोग इस कैफियत से गुजरे होते हैं तो वो इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, उनको लगता है कि ओहो अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही है, हमारी सांस उखड़ रही है। तो अगर हम इसके सिम्टम्स अलामात की तरफ जाएं जो पैनिक अटैक के होते हैं, वो ये हैं कि देर इज़ फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, चोकिंग, हार्ट रेट इंक्रीज होना, पैल्पिटेशंस, ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंग एक्सेट्रा। लेकिन रिसर्च की बिना पे ये वाजे होता है कि पैनिक अटैक्स जानलेवा नहीं होते एंड इट इज़ क्योरेबल। तो क्योर करने का इसका सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। जो लोग इन सिम्टम्स से गुजर रहे हैं या लोगों को लग रहा होता है कि उनको पैनिक अटैक्स के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और सबसे पहले काम डाउन करने की कोशिश करें। जब मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे सिम्टम्स के साथ आते हैं तो मैं भी उनको सबसे पहले ये सजेस्ट करती हूँ कि वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम कराते हैं और सबसे पहले उनको हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। अब एक सेशन के बिना पे हम क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि क्लाइंट बिल्कुल ठीक ठाक होके निकल जाएगा, तो हमें 4 to 6 सेशंस कंडक्ट करने पड़ते हैं, बट इट वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड क्लाइंट टू क्लाइंट। तो बेसिकली होता ये है कि जो पैनिक अटैक्स से सफ़र कर रहे होते हैं या पैनिक अटैक्स उनको राइज हो रहे होते हैं, उनके अंदर ये डर और खौफ भी बैठ जाता है कि एक दफ़ा पैनिक अटैक अगर होके गुजर गया है तो वो दोबारा भी अराइज हो जाएगा। तो हम अपने क्लाइंट्स को यही कहते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उन चीज़ों को मतलब अवॉइड ना करें, जिस तरह सोशल गैदरिंग्स में जाना अक्सर लोग छोड़ देते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर वो गैदरिंग्स में जाएंगे या लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनको दोबारा पैनिक अटैक हो जाएगा। लेकिन हम यही सजेस्ट करते हैं कि दे शुड नॉट अवॉइड सच सिचुएशंस एंड दे शुड जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो। अच्छा, अब लोगों को ये लगता है कि पैनिक अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिवेरिटी की तरफ ले जाते हैं, जिससे लोग अक्सर घबरा रहे होते हैं, तो प्रोफेशनल हेल्प लोग सीक कर सकते हैं। अगर उनसे खुद घर में हल नहीं हो रहा होता तो दे कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प। मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से और भी बहुत सारे नफ्सियाती उलझने और रोज़मर्रा के स्ट्रेसेस को डील करती हूँ, और जो लोग जो हैं प्रोफेशनल हेल्प सीक कर सकते हैं और करना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और क्लाइंट थेरेपिस्ट के रोल में आराम से इन प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। शुक्रिया। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।